सो गाइस, आज हम फिर से एक नया एनिमे का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है जांकियो नो टेरर। मुझे नहीं पता मैंने इसे अब तक क्यों नहीं देखा था, बट अब अचानक ये मेरे रेकमेंडेशन में आया। मैंने इसके सिनॉप्सिस भी नहीं पढ़े, बस इसका जॉनर देखा और सीधा मैंने देखना स्टार्ट कर दिया और मैंने इसे कम्प्लीट ही कर दिया एक दिन में, क्योंकि ये इतना बड़ा भी नहीं था। तो देखो गाइस, ये एनिमे फुल साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इसका प्लॉट भी बहुत वेल रिटन है, जिसमें बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स थे और क्लिफ एंगर्स जिससे मैं रुक नहीं पा रहा था। तो आज भी तुम्हें सब कुछ इस एनिमे के बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब वीडियो को शुरू करने से पहले, जिसने अब तक मेरे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ और वैसा करने के लिए ऑडियंस को बढ़ा रहा हूँ। तो जाओ गाइस उस चैनल पर और अपना प्यार दिखाओ, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो गाइस, अब बहुत हो गई बातें, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो यार, ये एनिमे के अंदर दो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जिनका नाम नहीं है, इन्हें उनके नंबर से जाना जाता है, जिनका नंबर है 9 और 12। ये दोनों इतने ब्रिलियंट होते हैं और साथ साथ बहुत बड़े टेररिस्ट भी। ये लोग इतने बड़े बड़े आतंकी हमले करते हैं कि जापान की बड़ी से बड़ी एजेंसी, जापान पुलिस, सब लोग परेशान रहते हैं। बिकॉज ये लोग हाथ में भी नहीं आते हैं, ये लोग इतने बिंदास है, जब भी बड़ा धमाका करने वाले होते हैं उससे पहले अपना वीडियो हर जगह वायरल करते हैं और पुलिस को हिंट देते हैं कि अगला ब्लास्ट कहाँ होगा, अगर रोक सकते हो तो रोक लो, ओपन चैलेंज देते हैं जापान फोर्सेस को। तो देखो गाइस, हर कैरेक्टर की कुछ ना कुछ करने की एक बड़ी वजह होती है। सेम ऐसे ही इन दोनों का टेररिस्ट बनना और ऐसा जापान के साथ करना, ये सब तुम्हें एनिमे में पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ट्विस्ट है और बहुत नेक्स्ट लेवल की इंटेलिजेंस बताई है। इस एनिमे की कहानी में आगे जाकर उन दोनों प्रोटैगनिस्ट के बारे में तुम्हें पता चलेगा कि कौन थे ये लोग। ये एक परफेक्ट क्राइम ड्रामा सीरीज है जो तुम्हें सारे एपिसोड्स देखने पे मजबूर कर देगी। इसके कुछ कुछ एपिसोड्स में मुझे सच में डेथ नोट वाली वाइब्स आ रही थी और मैं लगातार देखे जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये लोग जापान पुलिस को यहाँ से वहाँ भगा रहे थे बॉम्ब ढूंढने में, वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। इस एनिमे के अंदर एक पुलिस डिटेक्टिव भी है जो कि बहुत होशियार है, वो भी उन दोनों टेररिस्ट जैसा ही सोचता है कि ये लोग का अगला मूव क्या होगा, ये लोग के हिंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें दोनों प्रोटैगनिस्ट टेररिस्ट है तो ये लोग किस हद तक जाते हैं जापान को बर्बाद करने में, वो तुम्हें एनिमे में पता चल जाएगा। तो गाइस, ये एनिमे को ज़रूर देखना, क्योंकि सिर्फ इसका एक सीज़न है और इसमें बस 11 एपिसोड्स है, तो यार एक या दो दिन में तो कोई भी इसे आराम से देख सकता है। अभी तुम लोग ये मत कमेंट करना कि इसको कहाँ से देखे, मैं तुम्हें साइट्स के नाम बोल देता हूँ, जैसे kissanime.ru, gogoanime.io, तो यहाँ पर आपको सारे एनिमेज मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाएमासु।